वेलकम एवरीवन। आज का डिजिटॉक कैन अरेबिको मिड कैप एनएफओ के बारे में है, और ये आज के हमारे स्पीकर है श्रीदत्त भांडवलदार, हेड ऑफ इक्विटी कैन अरेबिको म्यूचुअल फंड। श्रीदत्त सर इज मैं वर्किंग इन कैन अरेबिको फ्रॉम 2016। He is management graduate, specialization in finance. He has a rich experience of 16 years in equity. And prior to joining Kyan Arabico, he was associate with SBI Pension Fund, Motilal Oswal Securities, and MF Global. Kyan Arabico AMC, Sridhar from my part of equity fund management team, and he is believed to holding selective quality stock. He and creating wealth through compounding over the medium term. He is currently overseeing the all equity funds with AUM near to $5 billion. इक्विटी के बारे में सर का बड़ा एक्सपीरियंस है, रिच एक्सपीरियंस है। ही इज वेरी एग्रेसिव। कैन अरेबिको का इक्विटी ब्लू चिप, फ्लेक्सी कैप, फोकस फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड मैनेज करते हैं। एयूएम हैव ग्रोन एट द सीएजीआर ऑफ 35% इन लास्ट 5 years ऑफ कैन अरेबिको म्यूचुअल फंड। कैन अरेबिको म्यूचुअल फंड का करंट परफॉर्मेंस तो आप सब देख ही रहे हो। एक्चुअली सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन कैन अरेबिको इज सीकिंग, या उनके मेन फोकस एरिया अगर मैं बोलूँ तो सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन, हाई स्टैंडर्ड ग्रीवेंस भी है, देन हाई कैपिटल इफिशियंसी, लीडरशिप एंड स्ट्रॉन्ग मोटो वाली कंपनी चूज करते हैं, एंड डिफेंसिबल फ्रेंचाइजीज। मैं ऑल दिस मैं अगर ये चार पांच कैरेक्टर देखूँ या कैन अरेबिको का लास्ट परफॉर्मेंस देखूँ तो इट्स अ वेरी गुड। Currently, AMC come with mid-cap fund, Kyan Arabico mid-cap fund. Mid-cap fund एक ऐसे बोल सकते हैं कि हम small cap से मुझे कम risk लेना है और large cap से मुझे ज्यादा return, उससे ज्यादा return लेना है। तो it's a position mid-cap as per SEBI rule 101 to 251 companies in mid-cap segment. So first number से 100 number तक large cap आती है एंड 250 के ऊपर स्मॉल कैप आती है। तो एग्जैक्टली मिड कैप कैसे वर्क करता है, मिड कैप में क्यों जाना चाहिए, मिड कैप कैसा है, और ये फंड एक्चुअली हमें क्या देगा, या इस फंड में हमें समझ में आएगा कि व्हाई चूज मिड कैप, या कैन अरेबिको के मिड कैप में अलग क्या है, मार्केट में जो फंड है उसमें से और इसमें से क्या फर्क है। तो ये सब हमें श्रीदत्त सर अभी बताएंगे। तो आई विल हैंड ओवर टू श्रीदत्त सर। श्रीदत्त सर please continue. Thank you for the kind introduction. Good evening everyone, all of you who are listening from various parts of the country. Thanks for joining us. Aaj ye objective is talk ka largely yahi hai ki hum Kyan Arabico mid-cap fund introduce kar rahe hain. So main just request karunga coordinator ko ki wo share kare presentation. To प्रेजेंटेशन मूव नहीं हो रहा है स्लाइड्स। हेलो, हाँ सर, वापस से सर एक बार शेयर कर दीजिए फिर से। वही करो, जस्ट आई थिंक हो गया है, करेक्ट? या परफेक्टली वर्किंग। ओके सर, यू कैन कंटिन्यू। या
तो मैं श्रीदत्त हूँ, मैं कैनरोबिको का इक्विटीज पीस हेड करता हूँ। इस आज के टॉक का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कैनरोबिको मिड कैप फंड ला रहे हैं। नेचुरली काफी सारा क्वेश्चंस होता है लोगों का, सो दिस इज एनएफओ विच वी आर लॉन्चिंग बिटवीन नवंबर 11 एंड नवंबर 25। सो मैं कुछ बेसिकली इस प्रोडक्ट के बारे में, कैसे हम लोग रन करने वाले हैं, ये कैटेगरी क्या है, इस कैटेगरी का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और हम एज अ कैनरोबिको इसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वो लार्जली कवर करूंगा इस प्रेजेंटेशन में। आई विल ट्राई टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल इन हिंदी, गिवन दैट इट्स अ मिक्स ऑडियंस, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट नेसेसरली वेरी कॉन्वर्जेंट विद इंग्लिश, सो हिंदी का प्रयोग करने का मैं ट्राई करता हूँ एज मच एज पॉसिबल। सो ये कैटेगरी में प्रोडक्ट लाने का पहला तो क्वेश्चन रहता है कि ये सब चीजें हम लोग कवर करेंगे, पहला तो क्वेश्चन रहता है कि अभी क्यों ला रहे हैं प्रोडक्ट। तो अगर आप कैनरोबिको का सभी प्रोडक्ट्स देखेंगे, जो भी एनएफओज आए थे लास्ट ईयर, हम लोगों ने फोकस लॉन्च किया था, वैल्यू लॉन्च किया था, उसके पहले हम लोगों ने स्मॉल कैप लॉन्च किया था, तो टाइमिंग, मार्केट टाइमिंग करने का हम लोग एज अ हाउस कभी कोशिश नहीं करते हैं। आई थिंक ये टाइम करने का जो लोगों का मेंटेलिटी है, या जो लोगों को लगता है कि इजीली मार्केट टाइम होता है, ये होता नहीं है, ये मैं आपको डेटा के साथ भी दिखाऊंगा। तो अगर एक ही चीज के लिए टाइम करना चाहिए कि भाई मार्केट बहुत ज्यादा महंगा है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव या एक्सट्रीमली चीप, दोज आर द ओनली प्रोबब्ली 5% ऑफ द टाइम्स व्हेन यू शुड एटलीस्ट अटेम्प्ट टू टाइम इट। रेस्ट ऑफ द टाइम टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपका एलोकेशन होना चाहिए, आपका प्रेजेंस होना चाहिए मार्केट में, और आपका प्रेजेंस अच्छे हाउसेस के साथ, अच्छे पोर्टफोलियो के साथ होना चाहिए। और हमें लगता है कि कैनरोबिको में हम लोग वही, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने वो डिलीवर किया है, और वही कोशिश है कि आपका प्रोडक्ट कैसे अच्छा हो, आपका प्रोडक्ट रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे थ्रू साइकिल कैसे अल्फा क्रिएट करे। और ये हम लोगों ने बार बार प्रूव किया है अक्रॉस कैटेगरीज, राइट फ्रॉम लार्ज कैप कैटेगरी टू स्मॉल कैप कैटेगरी, कि ओवर 3-5 ईयर एज अ हाउस वी कैन क्रिएट अल्फा, एंड इफ दैट इज द केस देन इट डजंट मैटर कि आज का टाइम क्या है। आपका इंपॉर्टेंस ये है कि आज मैं अगर एनएफओ लॉन्च कर रहा हूँ तो क्या अगले 3-5 साल में इस प्रोडक्ट में मैं कस्टमर के लिए वैल्यू, इन्वेस्टर के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ क्या। और हम लोगों ने वही सोचा है, और उसका बेसिक टेनेंट है कि हम लोगों को लगता है कि हम कैनरोबिको में सिलेक्शन हमारा काफी अच्छा है। तो अगर सिलेक्शन इन्वेस्टमेंट टीम का अच्छा है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस अच्छा है, तो आपका अल्फा अच्छा रिटर्न्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम आ ही जाएगा। तो विद दिस लेट मी स्टार्ट गोइंग इनटू द प्रेजेंटेशन। दिस एवरीबडी नोज कि ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है मिड कैप का, 101 कंपनीज से लेके 250 कंपनीज का, बट हम लोग उसको वैसे नहीं देख रहे हैं। हम लोग मिड कैप का जो अपॉर्चुनिटी है उसको इस तरीके से देख रहे हैं कि भाई, जैसे इनिशियली भी मॉडरेटर ने बोला कि भाई, ये आपको स्मॉल कैप का रिस्क नहीं देते हैं, स्मॉल कैप का ग्रोथ देते हैं, लार्ज कैप का रेजिलियंस देते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ स्वीट स्पॉट, कि भाई आपका मॉर्टेलिटी रेट इतना ज्यादा नहीं है, आपका बेसिकली प्रोफेशनल हो गए हैं, मैनेजमेंट प्रमोटर्स ने प्रोफेशनल ला लिए है कंपनी में, और आपका ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री या स्केलेबिलिटी फिर भी बहुत अच्छा है। जब आपका ग्रोथ स्केलेबिलिटी अच्छा है और आपका बिजनेस में रिस्क कम है, मॉर्टेलिटी रिस्क कम है, यानी बिजनेस खत्म होने का रिस्क कम है, जो जनरली स्मॉल कैप में काफी बार हमने देखा है कि थ्रू साइकिल 5-10 साल रिस्क, आपका मॉर्टेलिटी रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, वो रिस्क यहाँ पे आके कम हो जाता है, बट जबकि ग्रोथ कम नहीं होता है। तो ये एक स्पेस है जहाँ पे आपको ग्रोथ भी मिलता है, आपको लीडर्स मिलते हैं जो स्मॉल सेक्टर्स में लीडर्स है, निश प्लेयर, निश लीडर्स है, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ सुपेरियर होता है। दीज आर कंपनीज विच आर प्रमोटर ड्रिवन, सो दे आर वेरी वेरी निम्बल, एंड एट द सेम टाइम दे हैव बिकम लार्ज इनफ टू हैव दैट रेजिलियंस ऑफ अ लार्ज कैप। सो बैलेंस शीट अच्छा हो गया है, प्रमोटर ने बोर्ड अच्छा कर दिया है, प्रोफेशनल्स ले आए हैं, सो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है बिजनेस। दोनों ग्रोथ और इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट्स आपको सब इस कैटेगरी में मिलते हैं। अभी इसका केस क्या है, आप क्यों मिड कैप में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? एक तो मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता कि भाई इसका रिटर्न ज्यादा है तो आप ले लो, क्योंकि बट दैट इज नॉट द वे वी आर एक्चुअली पिचिंग इट। रिटर्न ज्यादा है तो ये तो कम ज्यादा सभी कैटेगरीज में हो सकता है। ये ज्यादा क्यों है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पे हम लोग कहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो अगर आप इंडिया में अभी मिड कैप का इन्वेस्टमेंट केस देखोगे कि क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंडियन मिड कैप्स में, तो ये कुछ रीजन सामने आते हैं, जैसे कि, और मैं इनके डिटेल में जाऊंगा एक एक मिनट के लिए। जैसे कि ज्यादातर जो मिड कैप है वो डोमेस्टिकली फोकस बिजनेसेस है, डोमेस्टिक ग्रोथ को कैटर करते हैं, और जैसे आप दुनिया में जो चेंजेस देख रहे हो, वर्ल्ड में जो चेंजेस देख रहे हैं, उसके हिसाब से डोमेस्टिक इकोनॉमी काफी अच्छा कर रहा है। तो आपको डोमेस्टिक ओरिएंटेड साइड में अगर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना है, आपको एक्सप्लोर करना है, तो ये कैटेगरी है जो
जहाँ पे बिजनेसेस लार्जली आर पार्टिसिपेटिंग इन द डोमेस्टिक ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ वेरियस सेक्टर्स. सेकंड है कि यहाँ पे भाई काफी सारे, जैसे मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पे काफी सारे बिजनेसेस है जो नीच सेक्टर में लीडर है. क्या हो रहा है कि इकोनॉमी फॉर्मल हो रहा है, इकोनॉमी काफी फॉर्मल हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज हो रहा है. गवर्नमेंट इम्पोर्ट बैरियर्स लगा रहा है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, आपका कंज्यूमराइजेशन बढ़ा है तो कंज्यूमर ट्रेंड्स आए हैं. बट काफी सारे जगह पे काफी सारे सेक्टर्स जो 10 साल पहले बिल्कुल भी छोटे थे, जैसे QSR देख लीजिए, फैशन रिटेल देख लीजिए, डायग्नोस्टिक्स देख लीजिए, हॉस्पिटल्स देख लीजिए, हॉस्पिटैलिटी देख लीजिए, आई मीन देर आर एन नंबर ऑफ सेक्टर्स, केमिकल्स देख लीजिए, API देख लीजिए, आई कैन गो एंड ऑन एंड ऑन. ऑल दीज आर गुड क्वालिटी बिजनेसेस जहाँ पे सेगमेंट का साइज बहुत बड़ा नहीं है, जो कि इकोनॉमी एक स्टेज पे है और इकोनॉमी पर कैपिटा 2000 पे है. तो ये ज्यादातर ये सेक्टर जो है ये मिड कैप में है, लार्ज कैप में ये सेक्टर्स आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे. और वहाँ पे वो लीडरशिप इवॉल्व हो रहा है. तो यहाँ पे जो जब मैं आपको डेटा दिखाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि बस यहाँ पे इस स्पेस में काफी सारा निश लीडर्स आ रहा है और ये जो लीडर्स है इनका जो पूल है वो ग्रो हो रहा है. कि ये जो 150 है मिड कैप 150, BSE मिड कैप 150, उसमें नंबर ऑफ लीडर्स आर इंक्रीजिंग एंड दोस दैट पूल इज ग्रोइंग. फिर थर्ड है कि यहाँ पे काफी सारा अंडर रिसर्च कंपनीज है इस स्पेस में. अंडर रिसर्च इसका मतलब ऐसा नहीं कि लोग उसका बात नहीं कर रहे या कुछ इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स कवर नहीं कर रहे, बट अगर आप देखो तो सीरियसली जो इंस्टीट्यूशनल रिसर्च ब्रोकर कवर कर रहे हैं इसको प्रॉब्ली कोई भी कंपनी में 5-7 लाख लोगों के ऊपर कवर नहीं हो रहा है अभी भी. जबकि आप ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाओगे टॉप 50 टॉप 100 कंपनीज में एटलीस्ट 15-20 अच्छा इंस्टीट्यूशनल रिसर्च उसको कवर कर रहा है. फिर इसके बाद में है जैसे ये लिंक्ड है, फोर्थ फैक्टर जो है फर्स्ट से लिंक्ड है कि यहाँ पे आपको इमर्जिंग थीम्स और सेक्टर्स मिलते हैं जो काफी सारे बाकी सेगमेंट्स में आपको नहीं मिलते हैं टू द सेम प्रोपोर्शन. ऑफ कोर्स दोस थीम्स एंड इमर्जिंग सेक्टर्स विल बी एवरीवेयर बट दे विल नॉट बी प्रेजेंट इन द सेम वेट इन द अदर कैटेगरीज. तो ये चार फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपको वेल्थ क्रिएशन दिखा है, जो मैंने फिफ्थ लिखा है कि ये आउटकम है बट ये पहले चार फैक्टर्स की वजह से हुआ है. और हम लोग सरप्राइज हुए जब हम लोगों ने सिक्स देखा कि भाई ड्रॉडाउन भी कम है. ऐसा लगता है टिपिकली कि भाई मिड कैप में बहुत ज्यादा रिस्क है, बट जब हम लोगों ने ये डेटा देखा तो हमें लगा कि भाई इतना रिस्क नहीं है. ऑफकोर्स वोलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा है बट इतना रिस्क नहीं है. सो लेट मी एक्चुअली जस्ट रन थ्रू दिस पैरामीटर्स. तो पहला जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ब्रॉडली ये जो पूरा मिड कैप स्पेस है ये डोमेस्टिक ओरिएंटेड है. तो आप अगर ब्रेकअप देखोगे मिड कैप 150 का तो 78% ऑफ दोज कंपनीज देयर रेवेन्यूज आर प्रेजेंट इन द डोमेस्टिक साइड विज़ एज यू गो इन द लार्ज कैप्स यू द प्रोपोर्शन विल कीप शिफ्टिंग. और ये क्या है ना कि जब आप डोमेस्टिक ग्रोथ या डोमेस्टिक फोकस बिजनेसेस की बात करते हो और उस अपॉर्चुनिटी की बात करते हो और वहां पे पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको ब्रॉडली तीन थीम मिलता है. जैसे मैंने पहले भी बोला, एक कंज्यूमराइजेशन, पूरा इकोनॉमी में कंज्यूमराइजेशन हो रहा है तो कंज्यूमर का कंजम्पशन पैटर्न्स आर चेंजिंग, द फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग, द कंजम्पशन इज बैक्ड बाय फाइनेंसिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एस्पिरेशन विच आर बैक्ड बाय फाइनेंशियल्स. और काफी सारा नया कैटेगरीज है कंज्यूमर्स में जो बेसिकली जिस तरीके से हम लोग आज कंज्यूम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो सेक्टर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वो पहले नहीं थे. जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप QSR देख लीजिए, फैशन रिटेल देख लीजिए, इनरवेयर देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, होटल्स देख लीजिए, बहुत सारे सेगमेंट्स है जो कंजम्पशन साइड में जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं. वो एक थीम है जो डोमेस्टिक में ज्यादातर मिड कैप में पाई जाती है. सेकंड है कि आपका जो पूरा इकोनॉमी है जैसे जैसे पर कैपिटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे गवर्नमेंट ने लास्ट 7-8 साल में रेगुलेशंस चेंज किए हैं, पहले डीमॉन लाया, फिर जनधन लाया, फिर GST लाया, फिर टैक्सेशन, कॉर्पोरेट टैक्सेशन कम किया, फिर PLI लाया, ये सब चीजों की वजह से इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन बहुत एग्रेसिवली हो रहा है, यानी अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज बहुत एग्रेसिवली हो रहा है. और जब ये इकोनॉमी फॉर्मलाइज होती है तो अक्रॉस द बोर्ड क्या होता है कि लॉट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स, ओके, और डायग्नोस्टिक्स फॉर सम ईयर बैक, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सम ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज, ब्रांडेड अपैरल्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ये 5-7-10 साल पहले आप जाके देखोगे तो इतना सेम तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं था और उसमें बहुत फ्रेगमेंटेशन था. वो और पूरा ऑर्गेनाइज हो रहा है एंड इट इज हैपनिंग एट अ स्मॉलर स्केल एंड दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट इन मिड कैप. सो ये जो सेकंड थीम है कि भाई इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो रहा है, डेमोग्राफिक्स आपके साइड में है, पर कैपिटा का बेनिफिट आ रहा है और वो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके सब बेनिफिशरीज भी आपको यहाँ पे मिलते हैं. और थर्ड जो है बेसिकली कि आपका पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन जो है और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन जो है वो चेंज हो रहा है और उसकी वजह से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है. गवर्नमेंट इंपोर्ट टैरिफ्स लगा रहा है, गवर्नमेंट ने PLI करके एक्सपोर्ट इकोसिस्टम क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है.
अभी चाइना प्लस वन विथ दिस जियोपॉलिटिक्स इज क्लियरली ऑन द फास्ट ट्रैक. सो ये जो तीन थीम है बेसिकली कंज्यूमराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड थर्ड द चाइना प्लस वन और सप्लाई चेन रिजिक्स, ये जो तीन थीम है ये लार्जली ऐसे सेगमेंट्स में है जो लार्ज पार्ट ऑफ दोज कंपनीज, मेजर पार्ट ऑफ दोज कंपनीज are actually still in sectors which are mid-sized sectors, and that's why they are largely present in mid-caps, and that is the opportunity or that is the investment case for mid-caps to generally go for. That's what we think, because largely these businesses are domestic oriented and there is a lot of growth potential, there is a lot of growth longevity. Then jaise maine bola ki यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे सेक्टर के लीडर हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो तो कोई फैशन रिटेल वाला है, तो कोई डायग्नोस्टिक्स वाला है, तो कोई फुटवेयर वाला है, कोई टायर है कंपनी, कोई इनरवेयर वाला है, तो कोई ऑटो एंसिलरी है, कोई इस कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला है. ये सब जो कंपनीज है ये इनका जो प्रपोर्शन है ये, और ये मिडकैप 150 का डेटा है, बीएससी 1 मिडकैप 150 का डेटा है, जो ये जो लीडर्स है रिस्पेक्टिव स्मॉलर सेगमेंट्स में उनका पूल बढ़ते जा रहा है उस इंडेक्स में. ये 2018 में 32% था, अभी 42% हो गया. यानी यू हैव अ कैटेगरी व्हिच इज डोमेस्टिकली ओरिएंटेड, यू हैव कैटेगरी वेयर देयर आर मीडियम साइज सेक्टर्स और सेगमेंट्स, एंड उसमें जो लीडर्स है, जो कैपिटल इफिशियंट कंपनीज है, जो वेल रन कंपनीज है, जो प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज है, उनका प्रोपोर्शन बढ़ते जा रहा है, 32% से 42% हो गया है जस्ट 4 साल में. और यहाँ पे प्रिडोमिनेंटली कैनरोपे को मिड कैप फंड प्ले करने का ट्राई करेगा, और ये आउटकम है. जैसे मैंने आपको ये तो दिखा दिया कि भाई लीडर्स बढ़ रहे हैं, लीडर्स पूल जो है 150 स्टॉक्स में बढ़ रहा है, बट वो जो लीडर्स है उन्होंने अच्छा किया है क्या इंडेक्स से, तो आप ये रिटर्न्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब जो लीडर्स है इन लोगों ने बेसिकली इंडेक्स से अच्छा किया है. सो 1 ईयर रिटर्न, 2 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न, 7 ईयर रिटर्न, तो हम लोगों ने वो पूरा लीडर्स का बास्केट लिया और उनका एवरेज रिटर्न निकाला इक्वल वेटेड, और देखा कि इंडेक्स के अगेंस्ट उन्होंने बेटर किया है. तो हम लोगों ने ये देखा कि जनरली उन्होंने इंडेक्स के अगेंस्ट बेटर किया है कंसिस्टेंटली. थर्ड फैक्टर, जैसे मैंने बोला कि आप भाई यहाँ पे जैसे आप नीचे जाओगे मार्केट कैप में या मिड कैप्स में जाओगे लार्ज कैप से, सो टॉप 150 100 कंपनी जो है वो 30 एनालिस्ट कवर करते हैं डिटेल में, एंड डिटेल में प्रॉपरली कवर होता है इंस्टीट्यूशनल रिसर्च. जैसे जैसे आप वो 101 से 250 की तरफ जाते हो तो प्रॉब्ली 15 लोग उसको कवर करते हैं, 15-17 लोग ऑन एन एवरेज, और वो 17 लोगों में से भी सीरियस लोग जो रियली डेप्थ में जाते हैं, क्वालिटी ऑफ रिसर्च अच्छा है, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अच्छा है, वो सिर्फ प्रॉब्ली वो 17 में से 10 लोग होंगे या 10 से भी कम लोग होंगे. एंड दैट्स वेयर यू स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी इन दिस स्पेस बिकॉज इट्स स्टिल अंडर रिसर्च विज अ लार्ज कैप कैटेगरी. ये है कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट फैक्टर विच आई स्पोक अबाउट, कि भाई यहाँ पे काफी सारा डोमेस्टिक ओरिएंटेशन है बिजनेसेस में, लीडरशिप है, अवेलेबिलिटी ऑफ इमर्जिंग थीम्स है. These are all themes which are emerging as a consequences of those three things. The economy is getting formalized, the economy is getting more organized, the economy is getting basically the consumer patterns are changing, the consumerization is increasing in the economy, the consumer habits are changing, and on top of that you have supply chains which are changing. Now global supply chains are changing. Why chemicals is doing so well, or why basically eventually hospitals will do well? I mean, medical exports will be a big sector at some point in time. Why manufacturing outsourcing is doing well, why manufacturing supply chains are doing well, the reason is ki aapka global supply chain change ho raha hai. To ye jo teen factor hai uski wajah se aapko, jaise aap is slides pe dekh rahe ho ki chemical, healthcare, financial intermediaries, manufacturing, home building space, discretionary, aur ye pura exhaustive list nahi hai but hum logo ne kuch dala hai, ye sabhi spaces mein, ye teen bucket mein aapko themes play karne mil raha hai jahan pe earnings growth potential superior hai, aur isliye यहाँ पे आप एज ए मिड कैप कैटेगरी पार्टिसिपेट कर सकते हो. उसके बाद में ये है कि भाई आप जब मिड कैप का केस ये भी है कि आपको ये डाइवर्जेंट एक्सपोजर मिलता है. ज्यादातर जो आपके पोर्टफोलियोज होते हैं वहाँ पे फिनेंशियल्स, आईटी और एनर्जी यानी ऑयल एंड गैस, ये तीन सेक्टर होते हैं जो आपके कोई भी पोर्टफोलियो आप उठा के देख लोगे ज्यादातर, तो उसमें 50% वहीं पे रहता है, 47% जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है बीएससी 100 में. जब आप जैसे जैसे आप मिड कैप में जाते हो और हम लोगों ने ये कैटेगरी का ये किया, तो आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नेसेसरली गुड और बैड, बट यहाँ पे आपको डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपोजर मिलता है, यहाँ पे डाइवर्जेंट एक्सपोजर मिलता है. जो एक्सपोजर इज डायरेक्टेड मोर टुवर्ड्स डोमेस्टिक इकोनॉमी, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इमर्जिंग थीम्स. सो जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे बीएससी 150 में आपको मटेरियल्स यानी केमिकल्स है लार्जली, यहाँ पे केमिकल, पेंट्स एंड अदर इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड रिटेल, those are large segments that you get to participate here. वो आपको
जिसे लार्ज कैप कैटेगरी में नहीं होगा. लार्ज कैप में आप जैसे जाओगे फाइनेंशियल्स और आपका आईटी विल बी 40-45% ऑफ द पोर्टफोलियो, प्लस आप ऑयल एंड गैस ऐड कर लोगे तो 50% ऑफ द पोर्टफोलियो 45% ऑफ द पोर्टफोलियो हो जाएगा. यहाँ पे आपका वो तीन सेगमेंट सिर्फ 17% है. आपको काफी सारा डोमेस्टिक ओरिएंटेशन प्ले करने मिलता है और हमें लगता है कि नेक्स्ट 3-5-10 साल के लिए डोमेस्टिक बिजनेसेस में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है. और इसीलिए मैं पहले भी बोला कि हम लोगों ने ये टाइमिंग नहीं किया है कि भाई आपको अगले एक साल में क्या होगा या 3 महीने में 6 महीने में क्या होगा, बट अगला 3-5 साल पे हमें लग रहा है कि काफी सारा ये जो पर कैपिटा और जो डोमेस्टिक थीम्स है ये सब प्ले आउट होने वाली है और वो काफी हद तक इस कैटेगरी में प्रेजेंट है. और इसका ये जो सब मैंने पॉइंट्स बोले आपको कि डोमेस्टिक है, लीडर्स है यहाँ पे, अंडर रिसर्च है और आपको काफी सारे थीम प्ले करने मिल रहे हैं, इसका आउटकम आपको ये दिखता है. जैसे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल डाले हैं बेसिकली, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब बिजनेसेस ये जो ग्रीन पार्ट है, ये जो ग्रीन पार्ट है ये आपका वो पीरियड है जब कंपनी मिड कैप बनी. टिपिकली क्या होता है ना कि कोई भी कंपनी जब स्मॉल कैप होता है तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं. कंपनी जनरली रेट होता है जब वो मिड कैप बन जाता है, यानी एक 10-1000 करोड़ का मार्केट कैप जब कंपनी का हो जाता है उसके बाद में सब इंस्टीट्यूशनल रिसर्च वाले, सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरनर्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, एवरीबडी स्टार्ट्स लुकिंग एट दिस बिजनेस एंड दैट्स वेयर दे रीरेट. सो आप जैसे देख रहे हो ग्रीन पार्ट में, सो जैसे ये एक कंपनी है, ये नीश बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है, हम लोग नाम जनरली अवॉइड करते हैं कोट करना, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ड्यूरिंग मिड कैप उसका प्रॉफिट सीएजीआर 21% था और स्टॉक परफॉर्मेंस 31% सीएजीआर था. सो नॉट ओनली यू हैव अ ह्यूज रनवे फॉर ग्रोथ, यू ऑल्सो रीरेट इन दिस फेज. When you actually become mid-cap, typically at 10-15,000 crore market cap, the company is also re-rate because there are so many institutional investors which are looking at that company. ये तो आपने भी आपके personal investments में observe किया होगा काफी बार. ये कुछ examples थे, मैं वो skip करूँगा. और ये outcome है, और ये outcome तो I think ज़्यादातर लोगों को पता है कि देखिए कि आपका mid-cap 150 का index का return 3, 5, 10, 7 years में vis-a-vis broader index S&P BSE 500 में कैसा रहा है. तो जैसे आप देखोगे कि हर पीरियड में मिड कैप्स हैव आउटपरफॉर्म दी अदर कैटेगरीज. इनफैक्ट जब मैंने पहली बार देखा ये 2018 में, तब मैं भी सरप्राइज हो गया था कि आप कोई भी पीरियड उठा के देख लीजिए, जनरली मिड कैप एज ए कैटेगरी इट आउटपरफॉर्म्स बोथ. सबसे बेस्ट परफॉर्म मिड कैप्स का है ओवर लॉन्ग टर्म, फिर लार्ज कैप का, फिर स्मॉल कैप का. दैट इज हाउ रिटर्न्स आर, दैट इज हाउ स्टैटिस्टिक्स इज. एंड उसका रीजन सिंपल है जो मैंने अभी आपको दिखाया कि जब कोई भी कंपनी स्मॉल कैप रहती है और वो पूरा साइकिल देख के इंस्टीट्यूशनलाइज होती है, प्रमोटर्स को समझ में आता है, प्रॉफिट एक लेवल पे आ जाता है, बैलेंस शीट लीवरेज हट जाता है, मैनेजमेंट प्रोफेशनलाइज हो जाता है, तब वो मिड कैप बनता है टिपिकली. और जब वो मिड कैप के फेज में अगर वो अच्छा कर लिया तो वो उसका रीरेटिंग भी होता है और दैट्स व्हाई दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स इन योर रिटर्न्स. क्योंकि आपका रिटर्न्स का तो दो ही है, एक तो आपको प्रॉफिट सीएजीआर चाहिए और दूसरा आपको मल्टीपल रीरेटिंग चाहिए. तो इस फेज में जनरली मल्टीपल रीरेटिंग होता है क्योंकि वही कंपनीज यहाँ पे आती है स्मॉल कैप से जो जिंदा रहती है बेसिकली. आई मीन जिनका मॉर्टेलिटी रिस्क कम हो जाता है वो बिजनेसेस यहाँ पे आते हैं, वो स्केलेबल होते हैं, तो इस पीरियड में भी वो स्केल होते हैं और उनको मल्टीपल रीरेट होता है. हमने काफी इस स्पेस में ये भी देखा कि जो लास्ट 4-5-7 साल वो रिस्क था जो 14 से लेके 20 तक था या कोविड में 22 तक भी था, कि आपका लीवरेज बहुत ज्यादा था धीरे धीरे करके, वो कम हो गया है स्पेस में भी. अगर जैसे आप देखोगे राइट हैंड साइड में तो आपका नेट डेट टू इक्विटी निगेटिव में चला गया है, यानी कोई बेसिकली डेट नहीं बचा है स्पेस में. ये ऑफकोर्स इंडेक्स के लिए डेटा है, इंडिविजुअल कंपनीज में ऑफकोर्स थोड़ा बहुत डेट होगा बट जनरली एट एग्रीगेट लेवल देर इज नो डेट. एंड जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो इन लोगों का आरओई भी काफी बढ़ गया है, तो 15% का आरओई भी 18% हो गया है इस स्पेस में. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेसिकली, स्टॉक परफॉर्मेंस इज फॉलो अर्निंग्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट्स वेयर वी आर फोकस्ड ऑन एंड दैट हैज शोन अप इन द आउटकम्स ऑल्सो. सो आपका ये आउटकम्स है जो मैंने पूरा बात किया 15-20 मिनट उसका ये आउटकम है कि आपने यहाँ पे पैसा लगाया होता विजाविज दूसरा कैटेगरी तो आपका रिटर्न ओवर लास्ट SIP रिटर्न है ये ओवर लास्ट आई थिंक दिस इज सीजर फॉर 10 इयर्स में कैसा रिटर्न बना है. ये एब्सोल्यूट रिटर्न है, सॉरी ये SIP रिटर्न्स है और जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि मुझे हम लोगों को लगा था कि कैटेगरी में वोलेटिलिटी या रिस्क बहुत होगा बट जब हम लोगों ने ड्रॉडाउन्स देखे तो 3-5 साल में ड्रॉडाउन्स एक या दो बार ही आए. यानी आपने अगर रोलिंग बेसिस के 3 साल या 5 साल ये कैटेगरी में आपका पैसा रखा तो द वर्स्ट आउटकम
जो वर्स्ट हुआ है किसी भी इन्वेस्टर के साथ लास्ट 15-20 साल में, वो हुआ है कि 3 साल में आपका एक बार स्टिल निगेटिव रिटर्न रहा है। इसका मतलब कि आपने 100 रुपीज लगाया और आपका 100 रुपीज ही रहा 3 साल बाद भी। दैट हैज हैपेंड ओनली ट्वाइस ऑन अ 3 ईयर रोलिंग बेसिस। ऑन अ 5 ईयर रोलिंग बेसिस तो सिर्फ एक बार हुआ है, वो भी 2012 में। इसका मतलब 2008-07 का पीक पे किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, तो 2012-13 में उसका रिटर्न नहीं था फिर भी, या 0% रिटर्न था, या थोड़ा सा निगेटिव रिटर्न था। अदरवाइज आपने कभी भी इन्वेस्ट किया हो एनी 5 ईयर रोलिंग रिटर्न, योर रिटर्न आर एक्सट्रीमली हेल्थी। नाउ कमिंग टू द सेकंड फेज, अभी मैंने आपको पहला पार्ट बता दिया कि मिड कैप में डोमेस्टिक मार्केट में पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी है, वहां पे लीडर्स है, ग्रोथ सुपीरियर है, कैपिटल एफिशिएंसी वाले बिजनेसेस बहुत सारे हैं, थीम्स है, उसका आउटकम रिटर्न्स में भी दिखता है। अभी कैनरोबिको में क्यों करना है आपको इन्वेस्ट? तो हम लोगों का तो सिंपल बेसिकली फंडा है कि अक्रॉस आवर कैटेगरीज, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज कि अक्रॉस आवर कैटेगरीज वी हैव क्रिएटेड वेल्थ फॉर आवर इन्वेस्टर्स ओवर 3, 5, 10, 20 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द फंड। सो आप लोगों ने भी हमारे काफी सारे फंड्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स को अपने बेचे हैं, और आपने देखा है कि भाई आप कोई भी फंड उठा के देख लीजिए कैनरोबिको से, 3, 5, 7, 10 साल में हम लोगों ने इन्वेस्टर के लिए अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है। और उसका रीजन क्या है? मुझे लगता है कि उसका रीजन है कि कैनरोबिको में एक अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, और उसके उसी के साथ एक बहुत अच्छा टीम भी है। तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड पीपल। द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बेसिकली टेक्स केयर ऑफ द एरर ऑफ कमीशन। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ही इंश्योर करता है कि पोर्टफोलियो में कोई रिस्क नहीं आए, पोर्टफोलियो में कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो, पोर्टफोलियो में इलिक्विडिटी नहीं आए, पोर्टफोलियो में अच्छा कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट और रोबस्ट बिजनेस फंडामेंटल वाले ही बिजनेस आए। और इंडिविजुअल जो है, या जो फंड मैनेजर्स है या जो रिसर्च एनालिस्ट है, वो इंश्योर करते हैं कि आपका आइडिएशन, आपका स्टॉक सिलेक्शन, आपका वेट्स, आपने कब स्टॉक लिया, कब बेचा, वो सब इतना अच्छा हो कि एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस एंड बेसिकली प्रोफेशनल्स यू गेट अ वेरी गुड आउटकम। एंड दैट्स वॉट डिफरेंशिएट्स कैनरोबिको फ्रॉम मोस्ट ऑफ द हाउसेस। एंड आई एम नॉट सेइंग कि अदर्स डोंट हैव प्रोसेस और एनीथिंग, बट एज फार एज कैनरोबिको इज कंसर्न, वी हैव वेरी वेरी रोबस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, वी हैव वेरी गुड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स, वी हैव अ 15 पीपल टीम, 15 लोगों का टीम है, उसमें से बेसिकली 13 लोग रिसर्च साइड पे है इंक्लूडिंग मी, 8 एंड 7 एनालिस्ट, 4 फंड मैनेजर्स ऑन डोमेस्टिक साइड, 2 फंड मैनेजर ऑन ऑफशोर साइड। ये पूरा रिसर्च टीम है बेसिकली। 280 कंपनीज हम लोग कवर करते हैं एज अ टीम। सो दैट्स द प्रिलिमिनरी रीजन व्हाई यू शुड लुक एट कैनरोबिको। सेकंड इज आल्सो ऑफ कोर्स वी आर वेरी वेरी केयरफुल अबाउट रिस्क। तो अगर एक चीज को आपको कैनरोबिको के साथ एसोसिएट करना है तो हम लोग बहुत कंजर्वेटिव है। एक आधे साल में थोड़ा कम रिटर्न आए तो चलेगा, बट पोर्टफोलियो में रिस्क नहीं आना चाहिए कुछ भी, क्योंकि थ्रू साइकिल दैट हेल्प्स यू टू क्रिएट अल्फा। मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसा लगता है कि भाई पोर्टफोलियो में अल्फा बनाना ही पोर्टफोलियो मैनेजर का काम है। मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेजर का काम, हमारे हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेजर का काम रिस्क मैनेज करना भी है। और अगर आप वो रिस्क मैनेज कर लो थ्रू साइकिल, तो आपका रिटर्न्स जनरली अच्छा ही रहेगा रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे। और वही हमारा एंडेवर है, और वो काफी फोकस है एट कैनरोबिको। अभी कमिंग टू द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि हम लोग ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। तो पहला तो ये इसका जो कोर फिलोसफी रहेगा इस प्रोडक्ट का, कि भाई हम लोग ये देख रहे हैं चीजें कि इस प्रोडक्ट में ऐसा सेक्टर में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे या इंडस्ट्री में जिसका ग्रोथ रेट इनहरेंटली ज्यादा है, विच इज वॉट आई वॉज एक्सप्लेनिंग वेन आई वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट दोज थीम्स and those domestic sector beneficiaries, formalization, consumption and all those. Of course, it's not completely exhaustive, but भाई कि इंडस्ट्री का ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद में उस इंडस्ट्री में कंपनी का, इंडिविजुअल कंपनी जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए, और सिर्फ ग्रोथ ही नहीं होना चाहिए दो चीजों में, बट उसके बाद में आपका मैनेजमेंट का पेडिग्री अच्छा होना चाहिए, यानी मैनेजमेंट का इंटीग्रिटी अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट का कैपिटल एलोकेशन अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए, बिजनेस कैपिटल इफिशियंट होना चाहिए। ये जो तीनों का इंटरसेक्शन है, ये जो तीनों का बुलसाई है, वो हमारा बेसिकली इस पोर्टफोलियो में ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इस टाइप के बिजनेसेस प्रीडोमिनेंटली पोर्टफोलियो में हो। ऑफ कोर्स 100% बिजनेसेस ऐसे नहीं रहेंगे, बट मेजर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, मेजोरिटी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी बिजनेसेस जहां पे इंडस्ट्री ग्रोथ ज्यादा है, कंपनी ग्रोथ ज्यादा है, और उसके बाद में मैनेजमेंट अच्छा है। और वही हम लोगों ने अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है बेसिकली कि आप इस तरीके का पोर्टफोलियो रहेगा आपका, जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है कि 3 टाइप का बिजनेसेस रहेगा पोर्टफोलियो में। हाई ग्रोथ कंपनीज रहेगा जो मेजोरिटी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो रहेगा, जो लीडर्स रहेंगे, जैसे मैंने पिंक पे दिखाया यहाँ पे लीडर्स और डोमेस्टिक बेनिफिशियरीज, ये जो रहेगा हाई ग्रोथ कंपनीज, ये मेजोरिटी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो रहेगा। और जो कंपाउंडिंग कंपनीज है
और टर्न अराउंड साइक्लिकल बेनिफिशियरीज है, ये सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो रहेगा, बट कोर पार्ट रहेगा कि हायर ग्रोइंग कंपनीज, कंपनीज विच आर शोइंग लीडरशिप, विच आर डोमेस्टिक बेनिफिशियरीज, विच आर फास्ट ग्रोइंग, दैट विल बी द प्रीडोमिनेंट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो. नाउ ये मैं आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ अर्लियर कि ये हाई ग्रोथ कंपनीज जनरली पाई कहा जाती है करंटली, एटलीस्ट व्हेन यू लुक एट दिस मिड कैप 150 और जनरली आप मिड कैप या स्मॉल कैप या जो भी हाई ग्रोथ सेक्टर्स है वहां पे अगर आप वो स्पेस देखोगे तो ये सब सुपीरियर अर्निंग्स ग्रोथ कंपनीज या हाई ग्रोथ कंपनीज जो है ये लार्जली अर्निंग्स या ग्रोथ आ रहा है क्योंकि ये सब सेक्टर्स फॉर्मलाइज हो रहे हैं, ये सब सेक्टर्स में सप्लाई चेन चेंजेस हो रहे हैं, ये सब सेक्टर्स कंज्यूमर पेनिट्रेशन या कंज्यूमर चेंजिंग पैटर्न्स के बेनिफिशरीज हैं. तो हम ये तीन बकेट में हम लोग देख रहे हैं कि ये सब ज्यादातर कंपनी मेजोरिटी नहीं सब नहीं बट काफी सारी कंपनीज मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज फॉर दिस हाई ग्रोथ कंपनीज आर बीइंग फाउंड हियर कि भाई फॉर्मलाइजेशन इकोनॉमी हो रहा है उसकी वजह से वो सेक्टर बेनिफिशियरी है या कंपनी बेनिफिशियरी है, सप्लाई चेन रिजिग हो रहा है इसलिए वो कंपनी या सेक्टर बेनिफिशियरी है, या कंज्यूमराइजेशन हो रहा है या कंज्यूमर पैटर्न चेंज हो रहा है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, वो क्या कंज्यूम कर रहा है, किस तरीके से कंज्यूम कर रहा है, उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहा है. ये सब अपॉर्चुनिटीज आपको ये हाई ग्रोथ कंपनीज में दिखेगा, ये सब इमर्जिंग थीम्स है लार्जली जहाँ पे इंडस्ट्री कंसोलिडेशन हो रहा है, अंडर पेनिट्रेशन है, इमर्जिंग सेक्टर्स है, ये सब यहाँ पे मार्केट शेयर गेन्स भी है कंपनीज को. तो सेक्टर्स देमसेल्फ्स आर ग्रोइंग फास्टर एंड कंपनीज आर ग्रोइंग फास्टर देन दैट ऑन टॉप ऑफ दैट, सो दैट दिस विल बी द प्रीडोमिनेंट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, दिस विल बी द मेजर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो. सेकंड और थर्ड पार्ट जो रहेंगे वो कंपाउंडर्स और टर्न अराउंड बेनिफिशियरीज रहेंगे. कंपाउंडर्स यानी ऐसे बिजनेस जो बहुत ज्यादा आरओई आरओसी बनाते हैं बट ग्रोथ आपका मॉडेस्ट है, एक अच्छा सा ग्रोथ है बट ये पार्ट जो है पोर्टफोलियो का ये आपको रेजिलियंस देगा पोर्टफोलियो में, आपको कंपाउंडिंग देगा अर्निंग्स का, आपको कंपाउंडिंग देगा रिटर्न्स का, बट रेजिलियंस बहुत देगा, डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत देगा. तो ये पहला पार्ट जो है हाई ग्रोथ कंपनीज ये अराउंड 50% रहेंगी अप्रोक्सीमेटली, डोंट होल्ड मी फॉर दैट. कंपाउंड जो रहेंगे 25% रहेंगे और टर्न अराउंड बेनिफिशरीज जो रहेंगे अराउंड 25% रहेंगे. और ये टर्न अराउंड बेनिफिशरीज जनरली साइक्लिकल बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लीवरेज की वजह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है इसकी वजह से, या कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी चेंज हो रहा है इसके लिए, या कैपिटल एलोकेशन चेंज हो रहा है उस सेक्टर में या कंपनी में, इसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, इसके लिए ये लोगों का अर्निंग्स और रीरेटिंग हो रहा है और इसीलिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज रिटर्न बनाने का होता है. तो ये तीन जो स्पेसेस है इस तरीके से हम लोगों का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन रहेगा. हाई ग्रोथ कंपनीज 50% से अप्रोक्सीमेटली 50%, कंपाउंडर्स अनदर 25%, टर्न अराउंड बेनिफिशियरीज अनदर 25%. सो इस तरीके का एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट रहेगा कैनरोबिको मिड कैप का, और हमें आशा है कि इसके साथ हम लोग अच्छा खासा ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अल्फा बना पाएंगे. ये सब हम लोग नहीं करेंगे, ये एक्सक्लूजन है पोर्टफोलियो में कि भाई जहाँ पे प्रमोटर का प्रॉब्लम है, कैपिटल एलोकेशन का प्रॉब्लम है, हम लोग उस बिजनेस में नहीं जाएंगे. जहाँ पे थ्रू साइकिल थ्रू 3, 5, 10 ईयर फ्री कैश नहीं बनता है वहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे. जो बिजनेसेस में एकदम ही लो आरओई आरओसी है वहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे थ्रू साइकिल. जहाँ पे अनएक्सेप्टेबल लीवरेज है, लीवरेज बहुत ज्यादा है, वहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे. और हम लोग ऐसे बिजनेसेस में नहीं जाएंगे जहाँ पे वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा है. तो ये सब एक्सक्लूजन्स रहेंगे पोर्टफोलियो में, यहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे. ये है आपका मेजर क्रिटिकल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो कि भाई यहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो लार्जली कंस्ट्रक्ट होगा और ये स्ट्रेटेजी है पोर्टफोलियो का. उसके बाद में भाई आपको कैनरोबिको या कोई भी फंड मैनेजर क्यों चाहिए, तो स्टॉक सिलेक्शन या सेक्टर सिलेक्शन का इम्पोर्टेंट हम लोगों ने डेटा के थ्रू रिप्रेजेंट किया है. जैसे आप ये देखोगे तो लास्ट 10 साल का बेसिकली BSE 150 मिड कैप इंडेक्स का टॉप 30 स्टॉक्स और बॉटम 30 स्टॉक्स के रिटर्न्स में कितना डाइवर्जेंस है, कितना फर्क है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है. जैसे आप कोई भी साल ले लोगे, जैसे आप ले लीजिए 2020 ले लीजिए, ऑफकोर्स वो कोविड था तो 2019 ले लीजिए, जो आपके टॉप 30 स्टॉक्स थे उन्होंने 48% रिटर्न बनाया, जबकि जो आपके बॉटम 30 स्टॉक्स थे उन्होंने -38% रिटर्न बनाया. तो आपका स्टॉक सिलेक्शन या सेक्टर सिलेक्शन जो है वो बहुत क्रिटिकल है और इसी के लिए आपको एक्टिव फंड मैनेजर चाहिए. यही डेटा सेक्टर्स के बारे में भी दिखता है, ये सेक्टर्स का डेटा है सेम ही. तो टॉप 3 एवरेज सेक्टर का रिटर्न और टॉप बॉटम 3 एवरेज सेक्टर का रिटर्न आप जैसे देखोगे कोई भी साल में, तो डेविएशन इतना ज्यादा है कि आपका सिलेक्शन का स्कोप बहुत ज्यादा है. यहाँ पे फंड रिस्क कर्व पे यहाँ पे दिखेगा वोलेटिलिटी और रिस्क कर्व पे, ये लार्ज और मिड कैटेगरी के बाद में आएगा. और ये लास्ट पार्ट जो मैं जहां से मैंने स्टार्ट किया एक्चुअली, कि जो लोग ज्यादातर ट्राई करते हैं टाइम करने का
they never make money in market. They keep waiting for corrections. So time in market is more important than timing the market. और ये हम लोगों ने बार बार देखा है as a professional fund manager also, कि beyond a point time करने से अगर आप SIP वगैरह कर रहे हो through 5-7 साल या इवन आप लमसम भी कर रहे हो तो आप जैसे जैसे टाइम होराइजन एक्सटेंड करोगे तो आपका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है रिटर्न का. और ये डेटा भी दिखाता है, जैसे आपने अगर आप देखोगे कि अगस्त 13 का बॉटम में आपने इन्वेस्ट किया होता और दिसंबर 17 के पीक में आपने SIP का स्टार्ट किया होता तो भी आपका रिटर्न में बहुत ज्यादा डिफरेंशियल नहीं है. इनफैक्ट 13 और 17 में तो ये उल्टा हो गया है, जब बॉटम में आपने इन्वेस्ट किया तब कम रिटर्न बनाया और पीक में ज्यादा बनाई. तो जो टाइमिंग है आपका वो बियॉन्ड अ पॉइंट मैटर नहीं करता और ये पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप ये 10 और 15 साल का डेटा है, अगर 10 साल का ही देख लोगे आप डेटा तो हम लोगों ने क्या किया कि जो बेस्ट 10 मंथ है यानी 10 साल में 120 महीने हुए वो 120 महीने से में से 10 महीने हम लोगों ने निकाल दिए जहां पे बेस्ट रिटर्न बना था. तो जब आप वो 10 महीने निकाल दोगे ना तो आपका 10 साल का CAGR रिटर्न कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रिटर्न 18% से 8% हो जाता है. इतना स्टार्क फर्क पड़ता है. तो अगर इतना फर्क पड़ता है टाइमिंग की वजह से, और मुझे नहीं पता था करेक्ट जब वो स्टार्ट हुआ तब कि ये 10 महीने कौन से है, तो अगर किसी को भी ये पता नहीं कि वो 10 महीने कौन से है जिसमें मार्केट बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाला है या बहुत ज्यादा गिरने वाला है दोनों साइड में, तो फिर बियॉन्ड अ पॉइंट टाइम करने का मतलब बहुत ज्यादा बनता नहीं है. एंड दैट्स व्हाट वी आर सेइंग एंड दैट्स वेयर वी व्हेन वी आर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट एज अ कैंड्रोपिको वी आर वेरी इनफ्रीक्वेंट. हम लोग बार बार बहुत ज्यादा एनएफओ तो नहीं लाते. हम लोगों ने लास्ट 7-8 साल में प्रॉब्ली दिस इज द 4th एनएफओ दैट वी हैव कम अप विद. पहले स्मॉल कैप लाया था हम लोगों ने 2019 में, फिर फोकस और वैल्यू लाया था लास्ट ईयर, और अभी हम लोग ये ला रहे हैं. तो हम लोग टाइम करने का ट्राई नहीं करते हैं मार्केट को. हमें लगता है कि थ्रू आवर स्टॉक सिलेक्शन थ्रू 3-5 ईयर वी कैन कॉम्पनसेट फॉर दैट टाइमिंग पार्ट वेरी इजीली बिकॉज एनीवेज नोबडी कैन टाइम इट. तो ये क्वेश्चन आएगा जनरली, मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर लिया है कि भाई टाइमिंग करने का बहुत ज्यादा ट्राई मत करो. इफ यू आर कन्विंस कि ये कैटेगरी में अपॉर्चुनिटी है, इफ यू आर कन्विंस कि भाई कैनरोबिको आपको पैसा बना सकता है तो just go and invest in this category. फिर ये कौन से इन्वेस्टर्स के लिए है, तो जनरली उन्हीं इन्वेस्टर के लिए है जिनके पास मिनिमम 3-5 साल का होराइजन है, जिनका थोड़ा सा वोलेटिलिटी लेने का अपेटाइट है, जो पहले लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप एंड अदर कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सके ताकि उनको एक अंडरस्टैंडिंग है कि इक्विटी का वोलेटिलिटी या अपेटाइट कैसा होता है. तो उन्हीं इन्वेस्टर के लिए एक ये फंड है और ये इसके फंड मैनेजर है अजय और मैं फंड मैनेजर रहेंगे इसके. I have been with the company for six and a half years now. I joined as a fund manager in 2016. In 19, I became head of equities. Currently, I'm directly managing four schemes: Kenrobico Emerging, Flexi, Blue Chip, and Focused. और बाकी सब schemes मैं oversee कर रहा हूँ along with my other colleagues. ये scheme भी मैं oversee करूँगा. So that's about the product. So I'll stop here and then we can take if there are any questions. Sir, presentation तो बहुत बढ़िया रहा. यहाँ पे मैं remark देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया remark आ रहे हैं आपके लिए. Dear Kenrobico Fund Manager, your funds are great. You have shown great strength in past 2-3 years. Exponential different है आपके funds में. आप मैं बहुत सी अच्छी lines आपके लिए, बहुत सी अच्छी lines आई है. That's very kind of investors. हमारा वही endeavor है कि जो भी हमारे funds आए, जो भी हमारे existing funds है, उनमें investors चुपचाप बैठे रहे और हम लोग over a period of time उनके लिए wealth create करते रहे. There are many questions, more than 27, 26 questions are here. Wow. अभी आ रहे questions और तो just मैं start करता हूँ, जो पहला question आया है उसी से शुरुआत करता हूँ. कि एक question ऐसा पूछा गया है कि mid cap में कितना लॉस हो सकता है, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैं मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो अगर मुझे लॉस नहीं चाहिए तो क्या हॉरिजन होना चाहिए या एक्चुअली क्या रूल्स देके मुझे इन करना चाहिए, ये पूछना चाहते. ये क्वेश्चन पूछा है विनोद सर ने फ्रॉम जयपुर. प्लीज सर. नहीं, सो जो ये स्लाइड मैंने आपको एक्चुअली दिखाया कि आपका जो ड्रॉडाउन है, अगर 3-5 साल का होराइजन है तो आपका लॉसेस का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, और वो भी वर्स्ट केस सिनेरियो है, वो भी एक या दो बार हुआ है लास्ट 15 साल में. सो आई थिंक
क्या 2-4-6 महीने में वोलेटिलिटी हो सकता है, आपका पोर्टफोलियो में ड्रॉडाउन हो सकता है, हमेशा हो सकता है वो, तो इक्विटी में आप आ जाओगे तो आपका पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। बट आप इस कैटेगरी में 3-5 साल बैठो तो ऑलमोस्ट जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू लूजिंग मनी और नॉट मेकिंग गुड मनी, बारिंग लेट मी एक्चुअली हाईलाइट द रिस्क, कोई वॉर हो जाता है, जियो पॉलिटिक्स हो जाता है, कोई और रिस्क तो सिस्टमिक रिस्क है तो सभी पोर्टफोलियोज के लिए, अदरवाइज लॉस होने का कोई बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। स्पेसिफिक रिस्क इज काउंट कर सकते हैं, सबके लिए जो रिस्क है वो उसके लिए भी रिस्क रहेगा। और इस कैटेगरी में ऐसा कुछ स्पेसिफिक, आई डोंट थिंक स्पेसिफिक रिस्क ऐसा कुछ है, क्योंकि हाँ ऐसा अगर हो गया कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में ग्लोबल से ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज यहाँ पे काफी सारे, जैसे मैंने बताया प्रेजेंटेशन में कि डोमेस्टिकली ओरिएंटेड बिजनेसेस ज्यादा है, वो रिस्क है सर, वो तो सबके लिए रिस्क। हाँ, तो इस कैटेगरी के लिए ऐसा अलग रिस्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा वोलेटिलिटी है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको होराइजन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। जैसे अगर मेरा लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप के बारे में बात कर रहा होता तो मैं बोलता था कि ठीक है भाई 1-1.5 साल के लिए भी इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो विदाउट वरी, अगर मिड कैप में जाना है या स्मॉल कैप में जाना है तो आपको एटलीस्ट 3-5 साल का होराइजन चाहिए और थोड़ा सा ज्यादा वोलेटिलिटी का स्टमक चाहिए। आई विल टेक, मैं आंसर भी आया नाइसली एक्सप्लेन करके, तो आई जस्ट गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं प्रजापति सर पूछ रहे गांधीनगर से, विच ऑफ द मिड कैप कंपनीज टू इन्वेस्ट इन, यानी कि अभी मेरे समझ में नहीं आया है कि वह कौन से, तो 101 से 250 तक तो जाना है ये मुझे पता है, लेकिन ऐसा है और उसी के रिलेटेड और एक क्वेश्चन आया है सेम इसी रिलेटेड कि आपका स्मॉल कैप में और लार्ज कैप में कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, कि स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा और लार्ज कैप में क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो ये मुझे लगता है कि ये दोनों क्वेश्चन सेम रिलेटेड है, और या एंड तीसरा भी मैं इसी में ऐड कर देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन emerging equity versus mid cap, यानी कि let me start with the third। बहुत फर्क है emerging equities और mid cap में। emerging equities जो है हमारा वो मोटा मोटा 45-50% mid cap होता है और 50% large cap होता है। So 50% small plus mid होता है emerging में और 50% large cap होता है। यहाँ पे आपका at least 70% large mid cap रहेगा और 30% में large plus mid रहेगा, small plus large रहेगा। So 70% mid cap, 30% large plus small cap। उसमें भी हम लोग कैसे देख रहे हैं, rather than going by SEBI definition ना, SEBI definition तो है कि आपको 65% तो रखना ही है mid cap। हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि any company, okay, which has that characteristics, 7-8 हजार करोड़ market cap से लेके 50 हजार करोड़ market cap तक का कोई भी company या 60 हजार करोड़ तक market cap का company, जहां पे भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ सुपीरियर आ सकता है, ग्रोथ प्रोफाइल बेटर है, वो हम लोग वहां पे फोकस है रादर देन जस्ट गेटिंग वरीड अबाउट मार्केट कैप। बट हैविंग सेड दैट 70% तो मिड कैप में रहेगा, अनदर बेसिकली 10-15% इन स्मॉल कैप एंड 10-15% इन लार्ज कैप। यू आर नॉट ऑडिबल। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत लोगों से ये क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कम 15-16 लोगों का ये क्वेश्चन है कि अभी रिसर्शन आ रहा है और ये रिसर्शन में हम इन्वेस्टमेंट करे ना करे, अभी क्या करना चाहिए, फ्यूचर मार्केट सिनेरियो इन अकाउंट, वर्ल्ड वॉर क्राइसिस, ऐसे करके क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से शर्मा सर बोलते हैं कि वर्ल्ड वॉर क्राइसिस आने वाला है, फंड मैनेजर हूँ, बट जनरली हम लोग जो नियर टर्म इवेंट्स है या जो आज हो रहा है उसको बहुत ज्यादा ओवरस्टेट करते हैं और लॉन्ग टर्म में जो अच्छा हो सकता है उसको अंडरस्टेट करते हैं। इसके लिए मैं एक ही एग्जाम्पल दूंगा शर्मा जी को कि आप 2020 में जून में जब आप बैठे हुए थे तो आपको लगा था क्या कि बाय डिसंबर वी विल हैव वैक्सीन, दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन एक्चुअली। सो रिस्क है, यस रिस्क हमेशा रहता है, रिस्क कभी नहीं था, रिस्क 2008 में भी रिस्क था, 2013 में भी रिस्क था, 2017-18 में भी रिस्क था, तो रिस्क तो आपका सम फॉर्म ऑफ द अदर रिस्क विल ऑलवेज बी देयर एंड देयर विल ऑलवेज बी वरीज है। बट क्या आपका इकोनॉमी स्ट्रांग है डोमेस्टिकली, हाँ है,
क्या आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 10-11% से मिनिमम ग्रो करेगा? हाँ करेगा। आपका अर्निंग्स ग्रोथ 12-14% ग्रो करेगा, मोस्टली करेगा। तो अगर ये सब चीजें इन प्लेस है तो ये जो बाहर की इश्यूज है इसको कितना इंपॉर्टेंस देने का और कितना नहीं, आपको यू टू कीप इट देम एट द बैक ऑफ माइंड कि हाँ ये रिस्क है, ये अगर प्ले आउट हुए तो मेरा रिटर्न्स डिले हो सकता है, बट आपका डोमेस्टिक इकोनॉमी में एज लॉन्ग एज सब ये जो चीजें हो रही है जो अच्छी हो रही है ज्यादातर, एज लॉन्ग एज दोज थिंग्स आर इन प्लेस यू शुडंट गेट वरीड अबाउट द एक्सटर्नल थिंग्स। क्योंकि लास्ट 20 साल में कम से कम 50 इवेंट हुए होंगे, मार्केट का रिटर्न फिर भी 13-15% CAGR है। सो ये सोचिए कि भाई 3-5 साल में अच्छा क्या क्या हो सकता है rather than कि क्या बुरा हो सकता है, क्योंकि कोविड में हमको नहीं लगा था कि 6-8 महीने में वैक्सीन आ जाएगा वापस, करेक्ट? तो ये जो वॉर है हो सकता है रिस्क ही क्यों देखने का, ऐसा भी हो सकता है कि 1 महीने में वॉर खत्म हो जाइए, 1 साल से लड़ रहे हैं लोग, ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 महीने में वॉर खत्म हो जाए तो फिर तो आपका ऑयल प्राइस भी और $20 नीचे आ जाएगा जो अपना प्रॉब्लम है इंडिया का, और आपका इकोनॉमी और भी अच्छा करेगा और आपका रिटर्न्स भी और भी अच्छा आ सकता है। सो दोनों तरफ होता है चीजें, फोकसिंग टू मच ऑन वन साइड कैन मेक यू टू ऑप्टिमिस्टिक और टू पेसिमिस्टिक, लेट अस बी रियलिस्टिक एंड कीप इन्वेस्टिंग, क्योंकि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है जब आप इक्विटी में आ रहे हो, तो आपका सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि भाई मेरा परचेसिंग पावर इन्फ्लेशन के ऊपर 5-7% से बढ़ना चाहिए। क्या वो ऑब्जेक्टिव सफल होगा? आप कैनरोपी को मिड कैप में करोगे तो मुझे लगता है कि उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 3-5-7 साल अगर आप उस पोर्टफोलियो में रखोगे रिटर्न, तो आपका वो एक जो रिटर्न है लार्जली वो आपका परचेसिंग पावर या वेल्थ क्रिएट करता रहे। यस सर, थैंक यू। मैं आंसर्स भी आपके सबको अच्छे लग रहे, देयर आर मेनी, मैं लोगों ने फीडबैक दिया कि क्लियर हो गया है, आंसर ठीक है, पीपीटी बहुत अच्छी तरह से शेयर किया आपने। मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, सिर्फ बहुत से क्वेश्चन है बट आई विल, मैं गेट टुगेदर सबको मिला के एक क्वेश्चन बना के आपसे पूछ रहा हूँ। एक तो मैं न्यू दिल्ली से क्वेश्चन है कि आपके फंड्स बहुत अच्छे हैं, 2-3 साल से अच्छा रिटर्न दे रहे, एक्सपोनेंशियल अच्छा है, हाउ यू कंपेयर यूर सेल्फ विथ अदर मिड कैप फंड्स एंड वेन यू टॉक अबाउट एग्रेसिव वर्सेज प्रोग्रेसिव इन MFDM डिस्ट्रीब्यूशन में, मैं दोनों तरफ से उनका क्वेश्चन है कि आप MF डिस्ट्रीब्यूशन में एग्रेसिव कैसे हो रहे हो और आपका अदर मिड कैप से कैसे अच्छा परफॉर्म करेगा, देर आर सम सेंटेंसेस जो हम इन्वेस्टर को बोल सकते कि ये मिड कैप अदर मिड कैप से अच्छा करने के लिए ये इसका मेन पॉइंट्स है या इसके ये सेंटेंसेस बोल सकते हैं, ऐसा देर आर सम 2-3 sentences या sure. नहीं तो कैनरोबो को मिड कैप अच्छा करने का प्रोबेबिलिटी जो है वो सिंपल उसके पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी पे है। एक तो मैं आपको सिंपल बोल सकता हूँ कि भाई हमारा पास ट्रैक रिकॉर्ड देख लो और वो यूज कर लो कि भाई कैनरोबिको में जनरली इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड पीपल कॉम्बिनेशन इज गुड, सो योर आउटकम्स आर रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा हो सकता है। एक तो है ट्रैक रिकॉर्ड, दूसरा है आपका एज अ हाउस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कैसा है, आपके लोग कैसे है, आपका रिस्क पे कितना फोकस है, और लास्ट पॉइंट है कि पोर्टफोलियो का कॉन्स्ट्रक्ट कैसा है। तो इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का जो स्ट्रेटेजी है यहाँ पे हमारा काफी सारा ग्रोथ कंपनीज पे फोकस है, सुपीरियर अर्निंग्स ग्रोथ पे फोकस है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया अर्लियर, और वही स्ट्रेटेजी है जिसके साथ हम पूरा अटेम्प्ट मारेंगे कि हमारा रिटर्न्स बाकी फंड से अच्छा हो। क्या कोई गारंटी कर सकता है? कोई गारंटी नहीं कर सकता है, बट क्या प्रोसेस प्लस people combination is in place which can enable that kind of returns, yes it can enable that kind of returns. So yeah, as far as MFT mein aggressive hona hai to jaise aap logo ka sabka experience hoga, hum log inherently conservative log hai, hame lagta hai ki bhai investor ko convince hona chahiye ki hamare sath paisa lagane ka hai ki nahi, unka experience acha hona chahiye, unke investor ka unka end stop रिटेल इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, वो होगा तो पैसा अपने आप आएगा, आपको जाके कुछ एग्रेसिव करने का जरूरत नहीं है, लोग बराबर से नोटिस करेंगे आप अगर राइट चीजें करते रहो तो, और वही पे फोकस है। अभी कितना उसमें हम लोग ओवर पीरियड ऑफ टाइम सक्सेस होते हैं या नहीं होते वो तो टाइम ही बताएगा, बट जनरली वही अटेम्प्ट है कि भाई रिटेल इन्वेस्टर का जो अल्टीमेट पैसा डाल रहा है 100 रुपए उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए 3-5 साल में, वो अगर अच्छा है तो आपको कुछ जाके एग्रेसिव बनने की जरूरत नहीं है कहीं पे, अपने आप लोग वो नोटिस करते हैं। क्योंकि अभी तो क्या हुआ है कि इतना इन्फॉर्मेशन फ्लो भी हुआ है सिमेट्रिक,
कि जो डेटा मेरे पास आ जाता है वही डेटा शायद दो घंटे में आपके पास भी आ जाता है, करेक्ट? सो ऐसा भी नहीं है कि लोगों को डेटा का एक्सेस नहीं है, इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं, वो सब हो गया है. सो हम लोग सिर्फ इस चीज में अग्रेसिव है कि ये कम्युनिकेशन में कि भाई इस टाइप का प्रोसेस है, इस टाइप के पीपल है, रिस्क पे फोकस है और ये स्ट्रेटेजीज हम रन करते हैं, अगर आप कन्विंस हो तो प्लीज उस फंड को सपोर्ट कीजिए, ये स्ट्रेटेजी को सपोर्ट कीजिए. एक क्वेश्चन मैं बार बार या बहुत बार आया है, एक सिमिलर क्वेश्चन है, सबका सिमिलर क्वेश्चन है, जो एग्जैक्टली एक्चुअली एसटीपी करे, लमसम करे, अभी जो एनएफओ पीरियड में हमें क्या करना चाहिए, दूसरा एसआईपी करे, 5 साल के लिए सही है क्या? एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि 5 साल के लिए सही है क्या, मैं 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट लू क्या लमसम? दूसरा एसआईपी मैं करूं तो कितने साल के लिए एसआईपी करूं, व्हाट द हॉरिजन फॉर एसआईपी, लमसम इज 5 इयर्स आर बेटर और 3 इयर्स बेटर मैं या एसटीपी इज बेटर, देयर आर दैट टाइप ऑफ ऑल क्वेश्चन आई गेट कि ऑल टुगेदर. हां या जिसका होराइजन क्लियर है कि भाई 3-5 साल का मेरा होराइजन है, वो जाके जस्ट लमसम कीजिए. आपका माइंड शेयर इस चीज पे आपको स्पेंड नहीं करना चाहिए कि मैं एसआईपी करूं, एसटीपी करूं, ये करूं. मेरा होराइजन क्लियर है, करेक्ट? मेरा होराइजन है भाई 3-5 साल का, मुझे द फंड हाउस स्ट्रेटेजी सजेस्टिंग कि मैं एक डिजायरेबल अच्छा रिटर्न बना सकता हूं विदाउट टेकिंग मच ऑफ रिस्क, देन व्हाई टू टाइम इट? अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम, एज अ फंड मैनेजर वी स्ट्रगल टू टाइम इट, टाइम द मार्केट, देन व्हाई टू टाइम इट? दैट इज वन वे. सेकंड, ऑफ कोर्स जिसका कैश फ्लो से लिंक्ड है उनको एसआईपी ही करना चाहिए, बट एसआईपी भी करना है तो मुझे लगता है कि 1-2-3 साल का एसआईपी करना चाहिए ताकि 5-7 साल में उनका एक्सपीरियंस पूरा साइकिल का हो जाए रादर देन एक पीरियड का. तो ये जो डिसीजन है लमसम करे या एसआईपी करे या एसटीपी करे, जनरली इट इज टू डू विद कि इन्वेस्टर का स्टार्टिंग होराइजन क्या है. अगर आपका होराइजन 5 साल है तो क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली रिटर्न में? 99% आपका रिटर्न में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर क्यों आपको उसी डिसीजन मेकिंग से रोज रोज जाना है कि मैं एसआईपी करूं, एसटीपी करूं? आप लमसम कर दीजिए अगर आपका 3-5 साल का होराइजन है. अगर आपका होराइजन नहीं है, आपके कैश फ्लोज एक साथ नहीं है, तो फिर ऑफकोर्स आपके पास चॉइस ही नहीं बचता है, आपको एसआईपी ही करना पड़ेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम. बट अगर एसआईपी भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2-3 साल का एसआईपी करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन रहेगा, बट दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन. आपका लाइन ही था या आपका लास्ट में स्लाइड ही था कि डोंट टाइम द मार्केट, आप कितना टाइम मार्केट में रह रहे हो ये देखो, डोंट टाइम द मार्केट. तो दैट विल बी, मैं लास्ट स्लाइड में पूरा आंसर दिया था आपने. मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे देता हूं स्टॉक का. This is not a recommendation to buy or sell, but 2005 से मैं सुन रहा हूँ कि टाइटन एक्सपेंसिव है या टाइटन में ये है, अभी वेट करे क्या? और ये सब इंटरनल रिसर्च एनालिस्ट फंड मैनेजर्स डिस्कस करते हैं, ओके? तो आपका जैसा ऐसा भी नहीं कि रिटेल इन्वेस्टर, तो जो लोग बाहर बैठे रहे वो बाहर ही है पूरा टाइम. और ऐसे कई सारे स्टॉक है इंडिया में. सी, इंडिया में ब्यूटी क्या है कि आपके पास 50-100 ऐसे बिजनेसेस है जो 10-20 साल अच्छे कर सकते हैं. तो हाँ, आपका थोड़ा बहुत मिस इधर उधर हो सकता है, बट आप वो लंबा होराइजन थोड़ा सा और एक कॉम्बिनेशन ऑफ दैट पोर्टफोलियो देखोगे ना, उसमें से कुछ सक्सीड होगा, कुछ नहीं होगा, बट एट अ पोर्टफोलियो लेवल आपका आउटकम्स अच्छा होगा. बट आप वो हमेशा वो सोचते रहोगे कि अरे मैं ये टाइम कर लू, 6 महीने बाद देखू, 3 महीने, कब वरी नहीं रहता है? वरी तो हमेशा रहता है, आप देख लीजिए ना लास्ट 10 साल में कितनी बार वरीज आया है. सर, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन एंड वेरी गुड एक्सप्लेनेशन. मैं जो आपने डिटेल्स दिए, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक डिटेल्स और एकदम सीधे भाषा में मैं बोलूँ तो हर एक के समझ में आएंगे कि मिड कैप और कैनरा भी को एमसीक्यू है. थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, आपने इतना टाइम दिया, 1 घंटा ऑलमोस्ट वी आर स्पेंडिंग हियर. आपने 1 घंटा जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया उन सबको मेरी तरफ से श्रीकांत गबाले और कैनरा भी को एमजे की तरफ से थैंक्स, थैंक यू सो मच. और मैं सर से करता हूं कि आप जस्ट एक लाइन 2-3 लाइन देके कॉल कंक्लूड करें प्लीज. या सो आई काइंड ऑफ अर्ज ऑल द इन्वेस्टर्स टू हैव अ सीरियस लुक एट दिस प्रोडक्ट, गो थ्रू द प्रोडक्ट स्ट्रेटजी एंड एज अ हाउस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी आर फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अल्फा, मोर इंपोर्टेंटली ऑन रिस्क एडजस्टेड बेसिस, एंड वी हैव पीपल एंड प्रोसेसेस इन प्लेस to drive that. So I think that's the recommendation. So please go and check out the dates. I think it's coming in between 11th November to 25th November. So have a look at the product. Thank you. Thank you. Thank you, Sridhar sir. Thank you.
थैंक्स एवरीवन।